अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, ये व्लॉग नहीं है, मैं आपको जो मियां वाले जो बना है अपना मसला मियां वाले में, जैसे बेटी बच्ची का जो मसला बना था, उसके जालिम बाप ने 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। तो उसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, जो कि इस टाइम जेल में मौजूद हैं। तो खबर आगाह करते जाएं कि काफ़ी ख़बरें आ रही हैं जो कह रहे हैं कि उस जालिम बाप ने जो है जेल में खुदकुशी करके अपना गला काट दिया। तो कुछ ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं जो कह रहे हैं कि उसको जो है सज़ाए मौत हो चुकी है। तो ये इस ख़बर से हम आपको आगाह करते जाएं, क्योंकि ये जो मसला बना है, जैसे भी बना है, और उसका जो वालिद, वो उसका बच्ची का जो बाप है, जालिम बाप, उसके जो अभी बयान आ रहे हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और अभी वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा जो दिमागी, काफ़ी लोग और कह रहे हैं कि उनका जो था दिमागी हालत ठीक नहीं था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा शख्स, एक पढ़ा लिखा इंसान, वो अगर उसके इतने बयानात आ चुके हैं कि वो पहली क्लास से लेकर मुकम्मल तलीम तक वो फर्स्ट पोजीशन पे आता रहा, अगर उसका दिमाग काम नहीं करता था तो वो फर्स्ट पोजीशन कैसे लेता रहा। आप बहन भाइयों ने सोचना है कि उस जालिम बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो ये खबरें आ रही हैं कि उसने जो है अपना जेल में खुदकुशी कर ली, अपना गला काट दिया, तो जेल में गला कैसे काट सकता है, ये भी आप थोड़ा सोचें। जो खबरें लगाने वाले हैं उसने भी नहीं सोचा कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन, क्योंकि जो जेल में है, जेल के जेलर भी हैं उधर, सरकारी मुलाजमीन भी हैं, जेल है, जेलर है, थाने हैं, और उसके अंदर वो किस चीज़ से अपना गला काट दिया, जो कि जेलों में ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होती हैं, कैदियों के पास ये चीज़ मुयस्सर नहीं होती है कि वो कोई ऐसी चीज़ जेल के अपने कमरे के अंदर वो रख सके कि वो अपना गला काट सके। तो बहन भाइयों, ये जो खबरें थी, कोई बोलते हैं खुदकुशी कर ली, गला काट दिया, लेकिन हम नहीं मानते। हम जब तक अपनी आंखों से उस जालिम बाप को, दरिंदे को नहीं देखेंगे, तब तक के लिए हम नहीं मानते हैं कि उसने खुदकुशी की है, जो क्योंकि हमारी आंखों के सामने तो उसके लाश चलो आ जाती, फिर हम मान लेते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली है, जो इस जहान में भी मारा गया, अगले जहान में भी मारा गया, क्योंकि जो खुदकुशी हराम है, वो उन्हें खुदकुशी की है, तो वो भी उसने जहन्नम खरीद ली, जहन्नम तो उसने पहले खरीद ली थी जब उसने अपनी 7 दिन की बच्ची को 5 फायर मार के कत्ल कर दिया था। तो बात करने का मकसद यही था कि ये जो सारी अफवाहें आ रही हैं, ये बिल्कुल झूठी हैं, बिल्कुल गलत हैं, ना उसने खुदकुशी की है, ना उसको कोई सज़ाए मौत हुई है, अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है। जैसे भी ये ऑप्शन हमारे को मिलेगा तो आपके साथ आगाह करेंगे और आपको नई खबर के साथ आगाह करेंगे। इस वक्त मैं चाहूँगा इजाज़त, आज की थी मेरी यही गुफ्तगू जो मेरे को मिले हैं, क्यों उसने कोई खुदकुशी नहीं की है, उसने कोई भी गला नहीं काटा है, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने सजाए उसको मौत भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक वो अदालत में पेश नहीं हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।